मसीह में प्रिय भाई बहन, आप सबको सलाम। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 से 12 तक पढ़ेंगे और मनन करेंगे। वहाँ पे लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलो कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अंधे मनुष्य को चंगाई करते हैं, उसको देखता करते हैं और उसको दृष्टि देते हैं, और वो भी एक अलग रीति से कि जैसे प्रभु यीशु मसीह एक बनाने वाले क्रिएटर है, ऐसे वहाँ पर हम देख पा रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत के वचन में हम देखते हैं कि जो चेले लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को क्वेश्चन पूछते हैं कि यह अंधा कैसे जन्मा और किसने पाप किया था, इसने पाप किया था इसलिए जन्मा, ऐसा जन्मा, या इसके माता पिता ने ऐसा पाप किया था इसकी वजह से ये अंधा जन्मा। तो वो लोग ये जानना चाहते थे, किसको ब्लेम कर, किसकी गलती है, किसने पाप किया था, किसको हम दोषी ठहरा सके, कि कौन दोषी है, वो जानना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर है और परमेश्वर के स्वभाव में वो पूरा परमेश्वर का स्वभाव वो वहां पे दिखाते हैं कि वो वहां पे न्याय करने के लिए नहीं, वो दोष लगाने के लिए नहीं थे और उन्होंने किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाया। हालांकि सबको उस समय पता था कि जो जितने भी जो शास्त्री थे, फरोसी थे, वो वही पुरानी वाचा के अनुसार उनको पता था कि पाप के द्वारा ही सारी बीमारी और जो कुछ भी ये खामी थे वो सब आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस वो पीढ़ी दर पीढ़ी आने के कारण ये सब हुआ, लेकिन उसमें भी प्रभु यीशु वहां से अद्भुत कार्य करते हैं और वहां पे दोष नहीं लगाते हैं। जैसे यूहन्ना 3:17 में भी कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि हमें दंड ठहराए, हमें दोषी ठहराए, लेकिन इसलिए आए कि हमें बचा ले, हमारा उद्धार करे। इसलिए प्रभु यीशु
आए। और फिर प्रभु यीशु बताते हैं कि यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। तो परमेश्वर का जो काम है वो वहां पे उसके जीव उस अंधे व्यक्ति के, वो अंधा जो मनुष्य था, उसके जीवन में परमेश्वर के काम, परमेश्वर की महिमा वहां पे प्रकट होने वाली थी, इसलिए यह हुआ। और यहाँ पर हम काम के बारे में और भी हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु बताते हैं कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। तो हमारे जीवन में भी कई ऐसी समस्या, कई ऐसी परिस्थिति हो सकती हैं जो हमें एक परेशान करने वाली बात बनकर रहती है, लेकिन जब प्रभु यीशु उस बात में आते हैं, प्रभु यीशु जब आते हैं जीवन में, प्रभु यीशु को जब स्थान मिलता है, तो उसी परेशानी को, उसी तकलीफ को वो लेकर उसमें से उसको आशीष में बदल देते हैं। और बाइबल में जितने भी जो चमत्कार है वो पहले एक समस्याएं थी, बाइबल में सारी समस्याओं में से ही परमेश्वर ने मार्ग निकाला और उसमें से ही समस्याओं में से ही आशीष में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। और फिर प्रभु यीशु कहता है कि दिन में ही काम करना अवश्य है, रात में काम कोई नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रभु यीशु जब तक पृथ्वी पर थे 33.5 साल, तब तक उन्होंने काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण काम वो क्रॉस के ऊपर उन्होंने सारा काम सब करके समाप्त किया, फिनिश किया, जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए कई सारे काम किए और लोगों को सुसमाचार बताया, लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, लोगों को चंगा किया और लोगों को बंधन से आजाद किया। और वे सारे काम प्रभु यीशु ने जब पृथ्वी पर थे आज से 2000 साल पहले तब उन्होंने किया, लेकिन अब वो स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दयनीय और बैठे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर रहकर हमारे द्वारा काम करते हैं आज भी। इसलिए हमें भी परमेश्वर के कार्य को जो हमारे लिए रखा है उसको करना है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं चौथी 4th वर्स में कि प्रभु यीशु इस तरह बोलते हैं, जिसने मुझे भेजा है वो अपने लिए बोलते हैं, लेकिन फिर सब चेलों के लिए बोलते हैं हमें, मतलब सबको, उसके काम दिन में करना अवश्य है। क्यों? क्योंकि हम भी देखते हैं कि जितने भी हम काम करते हैं वो दिन में करते हैं, नौकरी करना, बच्चे लोगों को स्कूल जाना, सब कुछ दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं कर पाते। तो परमेश्वर के काम को भी यहाँ पर दिन में करना, मतलब प्रभु यीशु जब तक है तब तक करना जरूरी है। और फिर आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं, और ज्योति अंधियारे में ही प्रकाशती है और लोगों को उज्याले में लाती है। जैसे वो अंधा एक अंधकार की ताकत में था, अंधकार में पड़ा हुआ था, वो उसके ऊपर कितने सालों से वो अंधकार की ताकत काम कर रही थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो उसके जीवन में एक नया उजाला वो पाते हैं। वो उसका जीवन उस जिस दिन प्रभु यीशु उसको मिले उस दिन से उसका जीवन बदल गया। और उसने तो प्रभु यीशु को देखा नहीं, वो तो यह सारी बातें जो प्रभु यीशु और उनके चेलों के बीच में हो रही थी वो सारी बातें वो सुन तो रहा था,
कि किसने पाप किया, किसके पाप की वजह से ये हुआ, वो सब वो सुन रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तब वो जाकर उसको वहाँ पर जो मिट्टी थी भूमि पर थूक के उसको गीली मिट्टी की और उसकी आंखों पर लगाया और फिर उसे कहा सिलो के कुंड में जाकर धो ले। और वो वहां से जाता है और वो धोता है और देखने लगता है। तो वही प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है जो सृजन करने वाला है, पर वो जो सृजन करने वाला परमेश्वर है जिसने सबको बनाया, जो जो चीज वो बनाता है उसी को पता रहता है कि वो चीज में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसी को जो गाड़ी जो जो गाड़ी जिसने बनाई है, जो फोर व्हील जिस कंपनी ने बनाई है, उसी को सबसे अच्छा पता होता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे ठीक कर सकते हैं। उसी तरह हमें प्रभु यीशु मसीह ने बनाया और हमारे इस शरीर को वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, वो अद्भुत रीति से हमें ठीक कर सकते हैं, चंगाई दे कर सकते हैं और जो अंग नहीं है वो भी वो सृजन कर सकते हैं। ऐसे महान परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। और आप एक बार सोच के देखो कि वो अंधा जो उसके जन्म से अंधा था, क्योंकि ये सिर्फ कोई एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच में हुई, ये घटना है। आज से 2000 साल पहले एक सच में ऐसा एक व्यक्ति था, एक सच में जो अंधा था और सच में प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया था, सच में उसको नई दृष्टि दी थी। और सोच के देखो उसकी जगह पे रहकर कि सालों से उसने कुछ नहीं देखा, वो कुछ काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा होगा, उसके माँ बाप के ऊपर एक बोझ के समान वहां पे रहता होगा और लोगों के ऊपर वो एक बोझ के समान रहता होगा और भीख मांग कर वो जो कुछ मिले उससे गुजारा कर रहा होगा। ना ही वो कोई काम कर पा कर सकता है, ना ही उसका वो अपना परिवार आगे बढ़ा सकता है। ऐसी सिचुएशन में वो कितने दुख में रहता होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिलते हैं, उस चेलों से बात करते हैं और उसको वहाँ वो मिट्टी उसकी आंखों पे लगाते हैं और वो सिलो के कुंड तक जाते जाते कितनी बार दीवार को पकड़ पकड़ के गया होगा, और फिर जब उसने पानी से धोई आंख को धोया तो सबसे पहले उसने वहां पे हाथ को देखा होगा, पानी को देखा होगा, लोगों को देखा होगा और अपने माता पिता को पहली बार देखा होगा। तो सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जहां पर नहीं है वहां पर है करके पुकारने वाला परमेश्वर है, जहां पर अंधेरा है वहां पर उजियाला लाने वाला परमेश्वर है। किसी के भी जीवन में, आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी कैसा भी अंधेरा क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आपके जीवन में आने से वो उजियालों को जरूर लाएगा, एक नई आशा को जरूर लाएगा। आप वो जिस दिन हमारे जीवन में हमारे हृदय में आता है, हमारा जीवन वैसा का वैसा नहीं रहता है, वो जरूर बदलता है और एक नई आशा, एक नई नई रोशनी, एक नया उत्साह, एक नया आनंद से वो जीवन को भर देता है, क्योंकि हम सच में प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, हम बन गए हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि वहां पर आजू बाजू वाले लोग और पड़ोसी जो उसको जानते थे, उसको देखते थे हर रोज भीख मांगते हुए, वो उससे सवाल पूछने लगते थे कि क्या वो वही नहीं है जो यहाँ पे बैठे भीख मांगा करता था। और फिर
दो बंटवारे पड़ते हैं, या वही, कुछ लोग कहते हैं या वही है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो उसके जैसा कोई और है। लेकिन जो पहले अंधा था वो वहां पे कहता है कि नहीं वो मैं ही हूं। तब वो उसको पूछते हैं कि तेरी आंखें कैसे खुल गई, तो वो बताता है कि कैसे प्रभु यीशु ने मुझे एक मिट्टी लगाई मेरी आंखों के ऊपर और फिर मुझे सिलो कुंड में जाकर धोने के लिए गए भेजा और मैं धोकर देखने लगा। तो हमारे भी जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो तुरंत ही हमारे ऊपर कई लोग कई बार ऐसे सवाल उठने शुरू होता है। लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, ये कैसे बदल गया, ये ऐसा क्यों है। तो जब लोग हमारे ऊपर सवाल करते हैं तो हमारे पास एक मौका है उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का। जैसे उस व्यक्ति ने सबको बताया और उसके ऊपर से हम ये देख सकते कि हम कैसे क्या बताना है हमें। पहले तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, प्रभु यीशु ने मुझे ये किया, प्रभु यीशु ने मुझे ये कहा, और फिर मैंने क्या किया और मैंने क्या पाया, मुझे क्या मिला, मुझे क्या कौन सी आशा मिली, एक नया जीवन मिला, नई उमंग मिला, नई आशा मिली, नया आनंद मिला। तो प्रभु यीशु में हमें जो कुछ भी मिला वो हमें लोगों को बताना है। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो उसको पता नहीं होने की वजह से वो बोलता है कि मैं नहीं जानता। आप सोच के देखो कि जिसने उसे चंगा किया, जिसने उसकी आंखों को उजाला दिया, रोशनी दी, उसको वो जानता नहीं है। और क्योंकि वहां पे उसको बोल के कि वहां पे सिलोह कुंड में जाके धो के आ, और वो चले गए थे, प्रभु यीशु वहां से चले गए थे, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक देखा नहीं था। और फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नई जिंदगी को पाया, रोशनी को पाया, उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया उसी दिन से, और उसकी शरीर को चंगाई मिलने के कारण, शरीर में अद्भुत काम होने के द्वारा उसके आत्मा में भी उसको चंगाई होती है, आत्मा को भी उसको उद्धार मिलता है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का काम वहां पर प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर परमेश्वर के काम को प्रकट किया, और वो ही यीशु मसीह रात दिन अभी भी काम करते हैं, आज भी हमारे द्वारा काम करते हैं, पहले हमारे लिए काम करते हैं और हमारे द्वारा भी काम करते हैं, और उसी प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर के काम के लिए हमें खुद को समर्पित करना है। वो ही यीशु जो हमारा सृजन किया, हमें बनाया, वो ही यीशु आज भी ऐसे सृजन करने वाली ताकत रखता है। ऐसे ही वो जहां पर नहीं है वहां पर है करके पुकारने वाला परमेश्वर है, और हम उसी के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो अद्भुत कार्य करने वाला, चीन चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिताजी, आपने हमें दिया इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें आपके वचनों को मनन करने के लिए एक मौका दिया।
इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और भी ज्यादा हम आपके और देखते हुए हम आगे बढ़ने पाए, कैसे आप सृजन करने वाले परमेश्वर हो, जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर सृजन करने वाले परमेश्वर हो, वहाँ जहाँ पर नहीं है वहाँ पर है करके पुकारने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। जैसे आपने उस अंधे के जीवन में कार्य किया, उस कि अंधियारे को दूर करके रोशनी दिया, ऐसे ही हमारे किसी भी भाई बहन के जीवन में, हमारे जीवन में कोई भी जगह में, जिसको जो कोई भी अंधियारे की बात है, अंधकार की बात है, वहाँ पर आप उजियालों को लेके आने वाले परमेश्वर है। जहाँ पर प्रभु यीशु आते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु को प्रभुता मिलती है, वहाँ पर अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर आप हो, प्रभु आप हो पिताजी। जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर अपने कार्य को प्रकट किया, ऐसे ही हमारे द्वारा आपके कार्य को प्रकट हम कर पाए, इसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है और अभी भी आप कर रहे हो, आगे भी आप हमारे लिए अद्भुत कार्य करोगे, और हमारे लिए जब किया है तो हमारे द्वारा भी आप अद्भुत कार्य करोगे, दूसरों के लिए भी हमारे द्वारा आप अद्भुत कार्य करोगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम आपके परमेश्वर के कार्य के लिए खुद को समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप महान हो, अद्भुत कार्य करने वाले, चीन चमत्कार करने वाले परमेश्वर आप ही हो प्रभु। आपने दिया इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।